नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 9 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः नौ बज करके पैंतीस मिनट तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है विशाखा नक्षत्र है दोपहर दो बजे तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है सिद्धियोग विष्टिकरण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज तुला राशि में प्रातः आठ बज के दो मिनट तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के पैंतीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के पच्चीस मिनट तक का होगा वहीं काल शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है सभी आश्रमियों को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना करें गणेश जी के मंदिर में जाएं उन्हें दुर्बा अर्पित करें दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय चर्चा होने वाली है दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु और बुध युति बनाकर मेष राशि में, में संचरण कर रहे हैं तो वहीं शुक्र वृषभ राशि में मंगल का संचरण मिथुन में है तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके आज वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही रहेंगे शनिदेव कुंभ में है तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं यह है ग्रह स्थिति गोचर कुंडली में आज चंद्रमा दोपहर दो, दो बजे तक गुरु और फिर इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे तो रविवार का दिन और चंद्रमा का संचरण गुरु के नक्षत्र में और इसके पश्चात दो बजे के बाद शनिदेव के नक्षत्र में आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास होने वाला है तो वहीं कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें है आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है कौन सी राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य प्रारंभ आज कर सकती हैं और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य इत्यादि प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशि के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं। उनके लिए बता दूं, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें तो 14 अप्रैल दिन शुक्रवार उस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं है सिवाय एक मुहूर्त के रात्रि में गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि दस बजकर अड़तालीस मिनट से बारह बजकर के तिरपन मिनट तक इसके अलावा उस दिन तिथि होने के कारण शेष कोई मुहूर्त नहीं है प्रिय दर्शकों आज दिव्य महाप्रयोग में जो मैं दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूं वो चंद्रमा से संबंधित है प्रिय दर्शकों हमारी अनियमित दिनचर्या का प्रभाव हमारी जन्म कुंडली में जो स्थित ग्रह हैं उनको खराब कर देता है या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारी कुंडली में खराब ग्रह स्थितियों के कारण हमारी दिनचर्या अनियमित हो जाती है सीधी सी बात है अगर ग्रहों के प्रभाव में हम जी रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ग्रहों के प्रभाव से हमारी दिनचर्या अनियमित हो जाती है लेकिन होता क्या है कि चूंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध से हमें यह कुंडली प्राप्त होती है और इस तरह की ग्रहस्थितियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है अब हम क्या करते हैं कि एक तो ग्रहस्थितियों के कारण हमारी दिनचर्या अनियमित होती है हम उसको और ज्यादा अनियमित करके खराब कर लेते हैं यानी पहले से खराब था और खराब कर लेते हैं देखा जाए तो चंद्रमा मैं कहा करता हूं 90 प्रतिशत कुंडलियों को अगर आप उठा करके देखिए तो आप पाएंगे कि 90 प्रतिशत कुंडलियों में चंद्रमा किसी न किसी तरह से पीड़ित है किसी न किसी तरह से 90 प्रतिशत कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित पाया जाएगा और आज की अस्त व्यस्त दिनचर्या में हम रात्रि में न तो समय पर सो पाते हैं और न समय पर जग पाते हैं सबसे पहले तो रात्रि में समय पर न सो पाने से हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है प्रिय दर्शकों इसमें कितना सरल तर्क है कि चंद्रमा जब खराब होता है तो क्या होता है व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है मानसिक रोगी हो जाता है इन सभी रोगों का समाधान क्या है अच्छी नींद अगर व्यक्ति अच्छे से सोए अब जो व्यक्ति रोगी हो चुका है वो सोए या जगे क्या फर्क पड़ता है लेकिन पहले ही अगर सही समय पर सोए समय से उसकी दिनचर्या कराई जाए तो बहुत हद तक वो इस रोग का रोगी ही ना हो तो हमारे खराब होते चंद्रमा के पीछे पहली तो हमारी यही स्थिति है अब आज के इस परिवेश में ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे डिप्रेशन का शिकार होना बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं किसके कारण चंद्रमा के कारण यहां आज एक ऐसी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है प्रिय दर्शकों देखा जाए तो जो लोग धन से बेहद परिपूर्ण हैं जिन्हें हम कम से कम ए ग्रेड की श्रेणी में रखेंगे धन के मामले में धनवानों के भी मामले में तीन श्रेणियां हैं गरीबों के मामले में मध्यम वर्गीय मामले में सभी मामलों में तीन तीन श्रेणियां होती हैं तो जो धनवान हैं और धनवानों में भी आप दो श्रेणियों को ले लीजिए कि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग इन में यह चीज देखने को मिलता है एक ड्रेस कोड ये ज्यादातर ड्रेस कोड का इस्तेमाल करते हैं मैं बाकियों की चर्चा तो नहीं करूंगा लेकिन इनके रात्रि के ड्रेस कोड की चर्चा करें तो ये गाउन इत्यादि पहनते हैं जिसमें विशेष रूप से सफेद या सिल्की गाउन प्रिय दर्शकों ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो शिल्क पर सफेद वस्त्र पर चंद्रमा का प्रभाव है नरम मुलायम वस्त्र पर चंद्रमा का प्रभाव है ज्यादातर अब सीधी सी बात है कि हर कोई एक आम व्यक्ति जहां ठीक से बिस्तर में असर न हो रहा हो उसको मैं कहूं कि सिल्क का गाउन पहन करके तुम सोहो तो ये तो मजाक जैसा ही हो जाएगा उसके लिए लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन मध्यम वर्गीय परिवारों की जो कम से कम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं एक उदाहरण से समझिए आपका बच्चा आपका छोटा बच्चा मानसिक रूप से बहुत अशांत है आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़े पढ़ने में अच्छा था लेकिन आजकल वो मन नहीं लगा रहा है आप खुद अपने आप को ले लीजिए कार्यक्षेत्र के दबाव टेंशन परेशानी के कारण आप मानसिक रूप से अशांत हैं देखिए मैं हाँ एक बात बता दूं कि हम हम लोग चर्चा उस विषय की नहीं कर रहे हैं कि जिनके पास ये सिल्की गाउन है और नरम गद्देदार बिस्तर है क्या उन्हें नींद भी आती है चर्चा इस बात की बिल्कुल नहीं है संभवतः उनको नींद ना आती हो हमारा ये विषय नहीं है हमारा विषय क्या है हमारा विषय है हमारी चाहत हम अपनी हम अपने स्तर से अपनी परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करेंगे देखने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि इसी भागम भाग में तो हम लगे हुए हैं नहीं तो एक बात तो तय है कि बहुत सुख हो जाने से भी या यूं कहिए कि भौतिक सुख संबंधी सामग्रियों के हो जाने से भी सुख मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं कौन जाने सुख नहीं बल्कि दुखी मिलेगा उसमें भी क्योंकि सीधी सी बात है कि इस अग्नि को हम जितना और प्रज्वलित करते जाएंगे ये शांत थोड़ी होगी इसमें आहुति डालते जाएंगे तो हम ये शांत थोड़े होने वाली है तो और जलेगी तो कुल मिलाकर के बात हमारी उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए चल रही कि जो परेशान भी हैं और वो चाहते भी हैं कि उनका जीवन और अच्छा हो मानसिक रूप से वो थोड़े शांत हो उनके बच्चे अच्छे हों एक बार ये आजमा करके देखिए चूंकि हमारी ये स्थिति बस इतनी है कि हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी ठीक हो हम अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं प्रिय दर्शकों ये बात मैंने पूर्व में भी कही है कई बार बता चुका हूं कि साफ वस्त्र पहनने से अच्छे वस्त्र पहनने से फटा पुराना न पहनने से हमारा शुक्र भी ठीक हो जाता है ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो हम एक मध्यम वर्गीय परिवार रात्रि में कौन सा कपड़ा पहनता है जो पुराना हो या सामान्य हो ऐसे ही कपड़े हम पहन करके क्योंकि सोने का काम है लेकिन रात्रि पर चंद्रमा का अधिकार है और हम भूल जाते हैं कि जब हर समय हम ग्रहों के प्रभाव में हैं तो रात्रि में भी तो किसी ग्रह के प्रभाव में है वो चंद्रमा के हम प्रभाव में होते हैं और जिस ग्रह से सबसे ज्यादा प्रभावित हम होते हैं सोने के मामले में और वस्त्र के मामले में सबसे ज्यादा इसी ग्रह को हम अनदेखा कर देते हैं तो आप अपने चंद्रमा को अनदेखा ना करें बहुत महंगा जाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक सिल्क का ऐसा सफेद कपड़ा तो आप ले ही सकते हैं बनवा ही सकते हैं वो मुलायम भी होगा आरामदेह भी होगा और आप अगर उसे पहनते हैं तो इससे आपका चंद्रमा पूरी तरह से और कहीं ना कहीं शुक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा शुक्र भी आपका ठीक होगा अपने बच्चों के ऊपर ये तो बिल्कुल ही लागू करके देखिए अगर आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है अशांत है मानसिक रूप से अशांत है तो उसे ये प्रयोग करा करके देखिए रात्रि में उसे एक सिल्की गाउन पहनाइए सिल्की कपड़ा पहनाइए जिसे पहन करके वो सोए दिन में उसको फिर धोइए फिर पहनाइए जरूरी नहीं कि चौदह हो एक भी होगा तो काम चल सकता है फिर बाद में देखा जाएगा और इतनी क्षमता तो है ही जिनके पास एकदम से ऐसी क्षमता नहीं है फिर वो सफेद मुलायम सूती कपड़ा ही लेकर के धारण कराए बच्चे को लेकिन बेहतर सिल्क है स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए इसके बाद त्रिराचम्य तीन बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए अपने ऊपर जल छिड़किए आसन पर जल छिड़किए पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगे मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ आप आज्ञा प्रदान करें क्षेत्र अधिपति भैरव आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए बाएं हाथ से जल को ढकीय तीन बार गायत्री मंत्र पढ़िए आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया अब इस अभिमंत्रित जल को जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित अपने चार ओर घुमा लीजिए गायत्री मंत्र से जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं प्राणायाम करना है रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं प्राणायाम सबको करना है आप स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं प्रयास करिए प्राणायाम करना है यहां देखिए मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं प्राणायाम कैसे करना है विधि मैंने वीडियो में बना करके बताई हुई है अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए और प्राणायाम इसी विधि से आपको करनी है फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम करने की विधि का जो वीडियो का लिंक अभी मैंने दिया आपको वहां नहीं मिलेगा ये आपको यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा तो प्राणायाम आपने जब कर लिया इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं कायिक वाचिक मानसिक वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए भुवन भास्कर को क्वर्घ्य प्रदान करिए एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार ओम ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर तीन अर्घ्य दे लेने के पश्चात प्रातःकाल का अर्घ थोड़ा झुक करके दिया जाता है आसन पर बैठ जाइए गायत्री मंत्र का जब करिए ग्यारह से इक्यावन एक सौ जितना आपसे हो सके सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो भास्कर की आराधना से अभी तक किसी भी कारण से आप वंचित हैं विलंब की कोई आवश्यकता नहीं अभी से भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ करिए बहुत ही श्रेष्ठ वैशाख का महीना चल रहा है भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ करिए चल चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है प्रातःकाल ही राशि से अष्टम में चले जाएंगे देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में दो बजे तक इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे तो दिन का पूर्वार्ध तो ठीक है आपको ज्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन दिन के उत्तरार्ध में मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि चंद्रमा शनि की दृष्टि से भी दृष्ट रहेंगे तो मानसिक रूप से आप परेशान होंगे गृह कलह की संभावना है वाणी पर आपको अपने जरा नियंत्रण रखना होगा और आज कहीं किसी से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक नहीं है तो कहीं मिलना जुलना न ही करना अच्छा होगा और छुट्टी का दिन है तो शांति से ही बिताने का प्रयत्न करिए व्यापारियों के लिए भी यही कहूंगा कोई डील इत्यादि है तो आज उसे कैंसिल करिए आज करना ठीक नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं और सोचे हुए काम आज पूर्ण न हो पाए अगर विशेष करके सायंकाल में कोई काम है तो वो काम नहीं बन पाएगा अगर जरूरी काम है तो उसे दिन के पूर्वार्ध में ही पूरा कर लीजिएगा और किसी भी मामले में जरूरत से ज़्यादा चिंता करना टेंशन करना जिद्द करना ये आपके पक्ष में नहीं है इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा बुरा असर पड़ेगा बल्कि आप परेशानियों से घिरेंगे तो कुल मिलाकर के मिसराशि के जातकों के लिए आज के दिन का पूर्वार्ध तो ठीक है लेकिन दिन का उत्तरार्ध थकाने वाला तनावपूर्ण स्थिति देने वाला है कारोबारियों के लिए भी अव्यवस्थित रखने वाला है दिन बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूँगा परेशानी रहेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है कफ जन रोग मानसिक अशांति इत्यादि है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी जरा सचेत रहिएगा जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के मन दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा पढ़ाई से मन भटकेगा मन कम ही लगेगा स्वास्थ्य को लेकर के आज विशेष रूप से सचेत रहिए स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज पीला है भुवन भास्कर कौर भी प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात यदि वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से ष्ठ में होना ये चंद्रमा सप्तम में आएंगे देवगुरु के नक्षत्र में सायंकाल शनि के नक्षत्र में दिन ठीक है शांति से ही निकल जाएगा काम अगर कोई बहुत जरूरी हो तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं बाकी वैसे सफलता के दृष्टिकोण से दिन को खराब नहीं कहा जाएगा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा विवाद से बचने की कोशिश करिए और जो भी आपके पुराने काम हैं उन्हें पूरा आज करी दीजिएगा निपटा दीजिएगा छोड़िएगा मत अगर घर पर है तो आज वातावरण अनुकूल दिखाई पड़ रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं है परिवार का साथ मिलेगा परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है कोई महत्वपूर्ण कार्य है जिसे करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो जा सकते हैं तैयारी अच्छे से करके जाइए कोई चीज छूटे ना इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए और कहीं भी रहिए इस बात का भी विशेष ख्याल रखिए कि आज लापरवाही के चलते आपके काम बिगड़ सकते हैं तो जितना हो सके अपने स्वभाव के अनुकूल मेहनत करिए अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर के काम करिए सफल रहेंगे मेहनत करना आज वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा मेहनत से ही आपके सारे काम बनने वाले हैं बहुत शॉर्टकट इत्यादि के चक्कर में मत पड़िएगा जल्दबाजी में कोई काम बनने वाला नहीं है दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं सफलता आपको मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज थोड़ा सा ख्याल जरूर रख लीजिएगा बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन हर तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है लकी अंक आपके लिए आज चार और लकी कलर आपके लिए सफेद है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी बात यदि मिथुन की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए थोड़ी मानसिक अशांति देने वाली है हालांकि दिन खराब नहीं है पर फिर भी थोड़ी मानसिक अशांति आपको रहने वाली है कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय जो भी आपके पुराने काम हैं उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए या कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं परिवर्तन के लिए कोई दिक्कत नहीं है परंतु अच्छे से विचार करके या किसी जानकार की राय लेकर के मानसिक रूप से अशांति तो आज आपको भी रहने वाली है स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की संभावना दिखाई पड़ रही है हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर जो आपके शुभ चिंतक हैं दोस्त उनकी मदद मिलेगी विशेष करके यदि आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं और किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो किसी मित्र की मदद से आपकी परेशानी खत्म होगी मेहनत से पीछे मत हटें जितने भी ना हटें जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं और कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार ठीक ठाक चलने वाला है विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई फैसला न करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है कफ जन रोग की संभावना पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है और एक सबसे जरूरी बात जीवन साथी का अपमान किसी भी तरह से न करें नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा लकी अंक आपके लिए आज सात और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है भुवन भास्कर को भी प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात यदि हम कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना केतु के साथ युति बनाए हुए चंद्रमा राशि परिवर्तन करके प्रातः काल ही वृश्चिक में जाएंगे राशि से पंचम ठीक है दिन दिन का पूर्वार्ध तो अच्छा है दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी पेट से संबंधित परेशानी मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है परंतु कार्यक्षेत्र से अधिक कोई परेशानी जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी तो उसे आप आज ठीक कर सकते हैं संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी प्रेम संबंध में विवाद या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही विशेष करके दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है तो वहीं एकाग्रचित्त होकर के दिन के पूर्वार्ध में जितने भी जरूरी काम है उन्हें आप पूरी पूरा कर लीजिए दिन के उत्तरार्ध में काम उस ढंग से नहीं हो पाएंगे व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा कारोबार को बढ़ाने की कोशिश आप करते चले जाइए सफलता आपको मिलेगी धन संबंधी मामलों में यदि चिंता है तो ये चिंता यथावत बनी रहेगी परंतु व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा अगर किसी काम में परेशानी आ रही काम आपका नहीं बन पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं योजना बना करके अगर कर आप काम करें तो काम बन सकता है कुल मिलाकर के दिन को चलाया जा सकता है ठीक किया जा सकता है प्रेम संबंध में उठा पटक की स्थिति है थोड़ा सचेत रहिए सावधान रहिए विद्यार्थियों का भी मन भटकेगा पढ़ाई में आज कम ही लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है भुवन भास्कर क्वर्घ्य प्रदान भुवन भास्कर क्वर्घे प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात यदि शिम्भ की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है पूर्वार्ध तो बहुत ही अच्छा है उत्तरार्ध भी ठीक है उत्तरार्ध में यानी शाम होते होते माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता या माता से किसी बात पर टू तू, -तू मयमय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ध्यान रखिए परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है परिवार मतलब जीवन साथी बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है इनकी यदि कोई समस्या है तो उसका भी आज समाधान हो जाएगा परंतु किसी मित्र से आपने कोई उम्मीद लगा रखी थी तो वहां से आज आपको ना उम्मीद होना पड़ेगा हालांकि एक बात आपको बता दूं कि अपनी कोई गुप्त बात कोई राज की बात चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो उससे शेयर मत करिए अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे तो दिन के पूर्वार्ध में आप कर सकते हैं अच्छा रहने वाला है और दिन के उत्तरार्ध में किसी से मिलना जुलना है तो वो काम आप कर लीजिए घर के साफ सफाई से लेकर के जो आपके रोजमर्रा के काम जितने हैं उन जरूरत वाली चीजों को भी आज आप पूरा कर सकते हैं करिए घर परिवार को लेकर के वैसे तो कोई चिंता नहीं है चिंता है तो उसका समाधान हो जाएगा बस माता के साथ संबंध बिगड़े ना इस बात का ख्याल रखिएगा और किसी पर शक मत करिए शक के कारण संबंध में परेशानी अवश्य उत्पन्न होगी तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन मेहनत से बस पीछे मत हटिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और जिनको माइग्रेन की शिकायत है उन्हें परेशानी थोड़ी ज्यादा हो सकती है लकी अंक दो लकी कलर आपके आइस क्रीम है भुवन भास्कर अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है जरूरी जितने भी आपके काम हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं जीवन साथी का साथ मिलेगा जीवन साथी के सहयोग से आज का दिन और ज्यादा बढ़िया हो जाने वाला है किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा कोशिश करने से पीछे मत हटिए लगातार किए जाने वाले प्रयत्न से आपको सफलता मिलेगी मन पर नियंत्रण रख करके और तब आप प्रयत्न करिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आपकी हर समस्या पीछे छूटती चली जाएगी या यूं समझ समझिए कि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी तो कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है आज आपका बढ़िया है दिन आगे बढ़िए वहीं जो भी जरूरी काम है जिन्हें आप पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे वो भी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं एक के बाद एक अच्छे मौके आपको मिलते दिखाई पड़ रहे हैं समझदारी से काम लीजिए जरूरत पड़ने पर अपने छोटों से भी राय मशवरा करने से मत चूकिए और अच्छा हो जाएगा दिन दोस्त की मदद मिलेगी दोस्त की मदद से मित्र की मदद से आपके कुछ रुके जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं विपरीत का आज विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है

आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन दिन के उत्तरार्ध को मैं आपके लिए खास कहूंगा परंतु मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी होगी नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में अगर आप छुट्टी नहीं है आपके कार्यक्षेत्र में है तो किसी न किसी बात को लेकर के परेशानी चिंता होने वाली है संभवतः किसी और की गलती को आपके माथे मर दिया जाएगा क्रोध में आने से आज बचिए बहुत सचेत रहिए अगर घर पे हैं तो भी ये बात लागू रखिएगा क्रोध में आने से आपको बचना है शांत रहना बेहद आवश्यक है वाणी पर कंट्रोल रखिए काम का बोझ बना रहेगा तनाव की स्थिति बनी रहेगी मन अशांत चुड़चिड़ा स्थिति आज बनी रहने वाली है बिना सोचे समझे किसी से उलझना किसी को कुछ बोलना आज आपके लिए ठीक नहीं है व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा तो सावधानी जरूरी है हालांकि एक बात तय है कि जो भी कठिन परिस्थिति है वो शाम होते होते सुलझ जाने वाली है धैर्य बनाकर के रखिए जितना हो सके शांत और संयम के साथ ही दिन को बिताइए ज्यादा टेंशन तनाव लेना आज आपके पक्ष में नहीं है और सबसे जरूरी बात अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी या चिंता है तो खुले मन से विचार करके या यूं कहिए कि अपने जीवन साथी से जो आपके शुभ चिंतक है उनसे बातचीत करके उस समस्या का हल ढूंढिए धन को लेकर के भी थोड़ी चिंता आज आपको बनी रह सकती है दाम्पत्य जीवन में से सुखमय दिखाई पड़ रहा है इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा परिणाम आपके पक्ष में है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन रोग की संभावना है खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है मद्यपान से जितना हो सके दूरी बना करके कर रखिएगा नींद की कमी से भी आज आप परेशान होंगे लकी लकी अंक आपके आपके लिए लकी कलर आपके लिए कलर आज ब्राउन है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी वृश्चिक के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन का पूर्वार्ध अच्छा है दिन के उत्तरार्ध में परेशानी बढ़ेगी वैसे मैं कहूंगा कि दिन का पूर्वार्ध भी बहुत सचेत होकर के चलना है अच्छी बात यह है कि कोई जरूरी काम है वो काम आपके पूर्ण होंगे अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो उससे मुक्ति मिल जाएगी धन को लेकर के चिंता थी तो कोशिश करिए इस परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है किसी को नीचा ना दिखाएं अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के लिए ना करें घर परिवार से जुड़ी जो भी समस्या थी उसका समाधान होने वाला है जो भी आपके जरूरी काम थे वो भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी माता पिता से सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है ससुराल पक्ष से भी सहयोग की स्थिति दिखाई पड़ रही है ससुराल पक्ष के सहयोग से आपकी कोई टेंशन परेशानी दूर होने वाली है जरूरी मामलों में आप चाहे तो ससुराल पक्ष वालों की भी राय ले सकते हैं दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है घर का वातावरण भी खुशियों भरा है शाम होते होते जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है जैसे सिर दर्द या जोड़ों में दर्द की परेशानी और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन मेहनत से बस पीछे मत हटी, अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है सो तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज पीला है भुवन भास्कर को कौर् प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात यदि धनु की करें तो धनु राशि के जातकों के लिए दिन का चाहे वो पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध दोनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी मानसिक अशांति इत्यादि दिखाई पड़ रही है सचेत रहना होगा आज छुट्टी का दिन है तो आप प्रयत्न तो यही करिए कि छुट्टी की तरह ही इस दिन को बिता दीजिए एकाग्र रहिए घर परिवार के साथ खुशी पूर्वक जैसे दिन बीत सकता हो बिताइए बहुत सारा काम आज पूरा कर लेंगे ऐसा नहीं होने वाला है तो जो जरूरी काम है जिसके पूरा हुए बिना नहीं रहा जा सकता उसके लिए तो प्रयत्न करिए पर कोई नया काम माथे पर मत लीजिए व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता होगी वहीं घर परिवार में भी आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ पर रही है संतान पक्ष से टेंशन आने वाली है तो कुल मिलाकर के घर गृहस्थी से संबंधित जो भी परेशानी है उसी को दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए कोई बड़ी यात्रा इत्यादि कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने से आपको बचना चाहिए हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी उत्पन्न होती रहेगी रुकावटें आती रहेंगी इनको लेकर के भी आज आप थोड़े चिड़चिड़ा गुस्सा में आ सकते हैं तो थोड़ा सा सावधान तो रहना ही होगा व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा और कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए ऐसे किसी बड़ी खरीदारी के लिए आज का दिन ठीक नहीं है विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो न करें नुकसान होगा किसी को धन उधार न दें और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य में परेशानी है खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है पेट जन्य रोग की भी संभावना है लकी अंक आपके लिए आज पांच और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल

पिता की कही बात को मानने भर से आपकी उलझने परेशानियां दूर होती दिखाई पड़ रही हैं किसी बाहरी और के भरोसे बैठे रहने की अपेक्षा आज अपने पिता के भरोसे जाइएगा पिता से सलाह लीजिएगा नहीं है पिता तो उनकी तस्वीर को प्रणाम करके अपने कदम आगे बढ़ाइए आपकी परेशानी दूर होगी घर परिवार के साथ हैं अच्छा रहने वाला है दिन आज आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है या यूं कहिए कि अगर थोड़ा सावधानी बरते तो होते होते रुक जाएगा लेकिन संभावना है कोई बड़ा नुकसान भी हो सचेत रहना होगा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और जितना हो सके कोई बड़ा काम पहले मत उठाइए दिन अच्छा है तो अच्छा है तो उसे अच्छे से बीतने दीजिए परिवार के साथ ही बिताइए केवल इनकम के चक्कर में आज के दिन को आप खराब मत करिएगा विशेष करके धन के मामले में या धन को लेकर के कोई चिंता आपके मन में ना आ जाए जिससे आपका दिन खराब हो जाए जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है और सबसे जरूरी बात क्रोध करना झूठ बोलना या इससे भी ज़्यादा जरूरी कि अपने जीवन साथी माता पिता इनके साथ गलत व्यवहार करना इससे आपको आज बचना होगा व्यापारियों के लिए दिन फायदा देने वाला है व्यापार में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव की स्थिति थी तो उसे दूर किया जा सकता है विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता तो दिखाई पड़ रही है बाकी आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाहर के भोजन से बचिए अभक्ष से भी बचिए लकी अंक आपके लिए जो चार लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है भुवन भास्कर को प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और कुंभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अच्छा दिखाई पड़ रहा है जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें एक एक करके आप पूरा कर सकते हैं रुके हुए जितने आपके काम है सब एक एक करके पूर्ण हो सकते हैं आज कोई नया कार्य भी शुरू करने की सोच रहे हैं तो मौका मिलते ही आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए आपके काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं व्यापारी हैं चाहे आप बड़े व्यापारी हो या छोटे दिन बढ़िया है बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आपको बल्कि फायदा देने वाला है व्यापार में फायदेमंद कोई डील होने वाली है नए व्यापार की रूपरेखा तैयार है आदि मन में या ऐसा कोई ऑफर आपको प्राप्त है तो इस पर काम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है कोई बड़ी खरीदारी करने से बचिए जैसे वाहन इत्यादि खरीदने वाले हैं कोई बहुत महंगा महंगी चीज़ खरीदने वाले तो उससे आप आज आज, आज आपको बचना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए अपने स्वास्थ्य को भी और अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको आज सचेत रहना है दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखम है प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है लकी अंक स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है लकी अंक आपके लिए आज नौ और लकी कलर आपके लिए सफेद है, है भुवन भास्कर को कर प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी तो ही मीन के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों में ही कहीं ना कहीं परेशानी मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है पहले तो आज के दिन को मैं अब अव्यवस्थित देख रहा हूं काम वक्त पर नहीं होगा आपकी जीवन शैली में भी उतार चढ़ाव की स्थिति देख रहा हूं कहीं ना कहीं अस्तव्यस्तता ज्यादा रहेगी किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन रहने वाली है कोई बड़ा काम कदम उठाने की सोच रहे हैं कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा यात्रा पहले तो आपके लिए लाभप्रद नहीं है तो यात्रा से जरा बचिए स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए बाहर के खान पान पर भी आपको जरा नियंत्रण रखना होगा बाहर के भोजन से आपको बचना होगा अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए आज परिवार के मध्य कलह मैं मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है और सबसे जरूरी बात अपनी बात मनवाने के लिए जिद मत करिए अपने अब दबाव परिवार के सदस्यों पर मत डालिए नहीं तो आप आज आपके अपने ही आपके शत्रु हो जाएंगे आपके विपक्ष में हो जाएंगे जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव की संभावना दिखाई पड़े तो जरा सचेत रहना होगा सावधान रहना होगा किसी को धन उधार मत दीजिए प्रेम संबंध के मामले में भी दिन कोई बहुत खास नहीं है विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा पुराना रोग परेशान कर सकता है कफजन रोग की भी संभावना है लकी अंक आपके लिए आज सात लकी कलर आपके लिए आज केसरिया भुवन भास्कर को अभी प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी तो प्रिय दर्शकों यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार